हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ट्राइबल्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे भारिया। ठीक है, तो इसके पहले तक हम पहला लेक्चर देख चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर है उसी सीरीज में कंटिन्यूएशन में ट्राइबल डेवलपमेंट यूनिट नंबर टेन प्रीलिम्स 2024 है ना, MPPSC नए सिलेबस के हिसाब से। ओके, सो सीधे कंटिन्यू करते हैं। भारिया हमारी तीसरी PVTG है मध्य प्रदेश की, तामिया में मिलेगी, पातालकोट ब्लॉक का, तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक पातालकोट जगह का नाम है। इनकी जो सब ट्राइब है वो है भूमिया, भुईहार, पलिहा एंड पांडो। दे बिलोंग टू द द्रविडियन ग्रुप ऑफ ट्राइब्स एंड गोंड्स आर कंसिडर्ड देयर यंगर ब्रदर्स, ऐसा लिखा गया है। जब इनकी उत्पत्ति हुई थी मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है भारिया, वो कहता है भारिया मैं गोंडों का छोटा भाई। तो आपको याद रखना है कि भारिया अपने आप को गोंडों का छोटा भाई मानते हैं। देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन इज महोबा और बांधोगढ़, महोबा उत्तर प्रदेश और बांधोगढ़ वहां से ये ओरिजिन अपना मानते हैं, और इसलिए भारिया वर्ड बांधोगढ़ थोड़ा राइम करता है। दे प्रे टू द रूट्स ऑफ द सज्जा ट्री, इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठेठेरा इज अ काइंड ऑफ स्वीट रोटी विच इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ये आज भी कई जगहों पर कॉमन है छिंदवाड़ा तरफ। इट इज मेड फ्रॉम महुआ एंड ज्वार एंड कॉर्न। ओके, डांस जो यूज करते हैं लोग उसका है नाम भदम, सैतम, सैला, कर्मा, सुआ एंड अहिरियाई। गॉड्स जो है इनके बूढ़ादेव, दूल्हादेव, नागदेव, भारुआ। दे क्रीमेट देयर डेड, डू नॉट बर्न। पातालकोट इज होम टू रेयर हर्ब, दो नदियां पातालकोट से बहती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको। एक नदी का नाम है दूधी, दूसरी का नाम है गायन, ये दोनों नदी पातालकोट से बह रही हैं। जो हर्बल हीलर्स होते हैं, जो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था, मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज, हर्बल हीलर्स, आपके शमन, ये सब नाम आप यूज कर सकते हैं। तो हर्बल हीलर्स फ्रॉम भारिया कम्युनिटी आर नोन एज भगत या फिर भूमकाज। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, इनको भगत कहते हैं या फिर भूमकाज कहते हैं। द फ्रंट वरांडा जो उनके घर का है उसे उसारी कहते हैं। स्टडी कंडक्टेड हैज फाउंड 11% ऑफ द भारिया ट्राइब ऑफ पातालकोट आर सिकल सेल एनीमिया कैरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रीलिम्स में भी सिकल सेल दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने सिकल सेल कमीशन भी निकाला है, सिकल सेल जेनेटिक बीमारी है। ओके, कुछ ट्राइब में वो कैरियर होते हैं, और सॉल्यूशन इसका सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि आपकी कभी भी डेथ हो सकती है अगर आप सिकल सेल के बारे में नहीं जानते कि आपके कभी टेस्ट नहीं करवाई है सिकल सेल के कैरियर में, तो इट कैन बी फैटल एनी टाइम। ओके, सो अगर मध्य प्रदेश में हम PVTG को देखेंगे तो तीन PVTG हैं, भारिया, बैगा, भारिया और सहरिया। सबसे ज्यादा अगर है तो वो है बैगा है, 2.7% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। भारिया 1.3 एंड सहरिया 4.0% ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा है अब की सहरिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है बैगा और तीसरे नंबर पे है भारिया। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में जो भारिया हैं, जो पातालकोट जिनका होम है, उनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो तीनों PVTG में सबसे कम है अगर आप उस सेंस में इसको देख रहे हैं। ओके, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ PVTG इन डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी, डिंडोरी एंड छिंदवाड़ा, थ्री कल्चरल सेंटर्स ऑफ बैगा, भारिया एंड सहरिया कम्युनिटीज, और ये भोपाल में बनाए गए हैं। तो ये कल्चरल सेंटर फॉर PVTGs इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो आंसर इज भोपाल। ओके, अब आते हैं गोंड पे। गोंड मैक्सिमम पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, सॉरी इंडिया में, और भील सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, ये 2011 का सेंसस के आंकड़े में आपको बता रहा हूँ। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सागर, दमोह, दे एड्रेस देमसेल्फ एज कोयटुरे। ठीक है, तो अपने आप को वो कोयटुरे कह के एड्रेस करते हैं, कोयटुरे विच मीन्स ह्यूमन और माउंटेन ड्वेलर ह्यूमन। द वर्ड गोंड इज ड्राइव फ्रॉम द तेलुगु वर्ड कोंड। गोंड ट्राइब इज ऑफ द्रविडियन ओरिजिन, गोंडी लैंग्वेज भी द्रविडियन ओरिजिन की है। गोंड्स ऑफ मंडला आर कॉल्ड एज राजगोंड, दे फॉलो हिंदू वे ऑफ लाइफ। गोंड किंगडम मेंशन था आईने अकबरी बाय अबुल फजल, इस किताब में मेंशन है। गोंड्स डू नॉट मैरी आउटसाइड देयर गोत्र क्लैन विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन टोटेम। टोटेम मैंने आपको बताया था, कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है जिसको वो अपना पूर्वज मानते हैं, जिससे अपना ओरिजिन मानते हैं। टोटेम में हो सकता है मछली हो, टॉर्टोइज हो, वट का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, शेर हो सकता है, तो ये सब टोटेम होते हैं अलग अलग गोंडों के। द फ्रंट गेट इज ईस्ट फेसिंग, द फर्स्ट रूम ऑफ द हाउस विच इज यूज टू एकोमोडेट द गेस्ट इज कॉल्ड एज पैटा बंगला। ओके, तो गोंडों के घर का जो आगे का हिस्सा है जहां पे गेस्ट वगैरह बैठेंगे तो वो कहलाएगा पैटा बंगला। ओके, वॉल पेंटिंग डन बाय वुमेन आर कॉल्ड एज नहदोरा, अनदर वर्ल्ड आर्ट इज कॉल्ड एज डिगना। ओके, जनगढ़ सा वेरी इंपॉर्टेंट, जनगढ़ सिंह सॉरी,
एक प्रधान गोंड थे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने डिफरेंट स्टाइल ऑफ गोंड पेंटिंग शुरू की। जनगढ़ सिंह जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट गोंड आर्टिस्ट टू यूज पेपर एंड कैनवास फॉर हिज आर्ट। हिज टैलेंट वॉज सून रिकोगनाइज। हिज वर्क वॉज एग्जीबिटेड ऑल ओवर द कंट्री। इसकी मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स इनकी भारत भवन भोपाल में इस वक्त हैं। डांसेस ऑफ गोंड इंक्लूड कर्मा, साइलारा, स्टिक डांस, दादरिया, सुवा, हुलकी, मंदारी, गेंडी। सीजनल फेस्टिवल्स इंक्लूड बद्री पूजा, हरढिल्ली, नवखारी, जवारा, मड़ई, चेतरा, बकबंदी, अखारिया, जीवाती, पोला, फाग, लारू काज, द पिग सेक्रीफाइस फॉर नारायण देव। ये कॉर्ड है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लारू काज कौन मनाते हैं, तो उसका आंसर गोंड होगा। देवर्शिप दूल्हा देव, नारायण देव, सूरज देव, खैर माता, ठाकुर देव, घनश्याम देव, बागेश्वर देव। ठाकुर देव इज हाउस होल्ड गॉड एंड हिज स्टैच्यू इज नॉट कंस्ट्रक्टेड। दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। कॉमन सरनेम इन गोंड इंक्लूड मरावी, हरका, टेकाम, उइके, मर्सकोले एक्सेट्रा। दे आर ऑफ डिफरेंट गोत्र एंड कैन नॉट मैरी इन द सेम वन। सो फॉर एग्जाम्पल कोई मरावी है सरनेम की, तो वो मरावी में शादी नहीं कर सकते, उनको किसी और सरनेम से शादी करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम गोत्र के हो जाएंगे। सब टाइप और सब कास्ट बेस्ड ऑन द प्रोफेशंस इंक्लूड अगरिया गोंड जो आयरन वर्क से काम करते हैं, ओझा गोंड जो फॉर्च्यून टेलर माने जाते हैं, प्रधान गोंड जो प्रीस्ट ऑफ विलेज गॉड या है, प्रीस्ट और विलेज गॉड है ना, प्रीस्ट और विलेज गॉड। देयर फूड हैबिट इज रिलेटेड टू टोटेम। दे डू नॉट कंज्यूम देयर टोटेम विच में इंक्लूड गोट, टॉर्टोइज एक्सेट्रा। महुआ लिक्वर इज कंज्यूम्ड। राइस बियर इज कॉल्ड एज पेज। राइस बियर इज कॉल्ड एज पेज। ओके। टैटू ऑन फेस हैंड्स इज कॉमनली जनरली इट इज कॉल्ड, इट इज डन बाय प्रधान और डोलिया सब कास्ट। तो टैटू बनाने वाली जो सब कास्ट है उसका नाम प्रधान या डोलिया है। फैमिली सेटिंग्स, दे मोस्टली लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। अर्लियर दे यूज टू लिव इन ज्वाइंट फैमिली। दे यूज द टर्म परी टू एक्सप्रेस द ग्रुप ऑफ द फैमिली। द गोंड वुमेन एंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन द सोसाइटी बिकॉज शी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। द मैरिज अमंग गोंड कम्युनिटी इज परफॉर्म बाय अ बैगा और अ दोषी। विडोज आर अलाउड टू रीमैरी। द पोजिशन ऑफ पॉलीगैमी अमंग द गोंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। Different types of marriages include marriages by service, marriages by exchange, marriages by capture, by elopement, by intrusion, etc. Each Gond village has a headman, locally called as Mukhiya, या फिर मांझी या फिर पटेल। क्योंकि गोंड बहुत सारे इलाकों में है, तो दमोह में भी जो गोंड है, सागर में गोंड है, अलग अलग गाँव पे गोंड है, तो उसमें वो अलग अलग नाम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो हमारे जो उनके विलेज हेडमैन है। तो इट कैन बी एड्रेस्ड एज मुखिया, मांझी या पटेल। एंड विलेज काउंसिल पंचायत चूजन बाय द विलेजर्स। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ हेडमैन, प्रीस्ट, विलेज वॉचमैन एंड 4 or 5 एल्डर्स। ओके, ये गोंडों के बारे में हो गया। नेक्स्ट ट्राइब जो है आपकी वो है आपकी कोल ट्राइब। और कोल ट्राइब मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश विच इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर। कोल आर इवन डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद एज कोलहाटी एंड इन दिस रिगार्ड दे आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि कौन सी ट्राइब का ऋग्वेद में जिक्र है, तो उसका आंसर कोल होगा। और उस बेसिस पे कोल इंडिया की ओल्डेस्ट ट्राइब मानी जा सकती है। कोल में तीन सब कास्ट होते हैं, भूया, खैरा एंड खोरवा। ये मुंडारी लैंग्वेज बोलते हैं इन सेंट्रल मध्य प्रदेश। दे आर फाउंड इन द वैलीज ऑफ नर्मदा, विंध्या, सतपुड़ा एंड दे इंक्लूड कोल, कोरवा, कोरकू। मोस्ट ऑफ देम आर लैंडलेस एंड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे एड्रेस देमसेल्फ एज हर, होर, हो एंड कोरो। All of these means humans. According to Risley, एक anthropologist थे, the Kol address their head chief as Munda. तो कोलों का जो head है, जो chief है, उसका नाम मुंडा है, उसको address किया जाता है मुंडा। अभी हमने देखा जो गोंड है उसमें पटेल कहा जाएगा, है ना, या फिर मुखिया या मांझी कहा जाएगा। ऐसे ही कोल के केस में वो उसको मुंडा कहते हैं। कोल पंचायत को गोहिया कहते हैं और हेड ऑफ द पंचायत जो रहता है उसका टाइटल चौधरी होता है। ओके, दे बर्न देयर डेड। साल ट्री इज रेवर्ड बाय देम वेयर द सॉली और विलेज डीटी रिसाइड। तो साल ट्री में ऐसा वो मानते हैं कि जो विलेज डीटी है जिसका नाम है द सॉली, वो रिसाइड करता है, ठीक है, उसका घर होता है। विलेज प्रीस्ट इज कॉल्ड देहुरी। विलेज के जो प्रीस्ट है उसे देहुरी कहा जाता है। इन रीवा दिशा कोल आर फाउंड। एक टाइप की कोल है, जैसे कि हमने गोंड में पढ़ा कि राजगोंड मंडला के पास में पाए जाते हैं, इसी तरह रीवा में दिशा कोल पाए जाते हैं। इन एमपी द हेडमैन ऑफ कोल इज कॉल्ड एज गोटिया। ये भी मैंने बताया था आपको, गोहिया या गोटिया आप कह सकते हो। कोल आर एक्सपर्ट इन कैचिंग बर्ड। मेन प्रोफेशन इज एग्रीकल्चरल पेस्ट्रोलिस्ट। द होल विलेज ऑफ कोल इज कॉल्ड कोलहान एंड कोल फॉलो हिंदुइज्म। डांस कोल धरना होता है। हाउस इज कॉल्ड मढ़िया। कोल का जो हाउस है वो मढ़िया कहलाता है।
ओके अब आते हैं भील. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड भील इज फ्रॉम द आई थिंक ये इसका शायद मैं एक बार लैंग्वेज मुझे नहीं पता है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा. यहाँ पे आई थिंक इट इज़ मुंडारी लैंग्वेज, मैं एक बार चेक कर लूँगा. और उसका भील का मतलब होता है कमान या बो. प्लोटैमी हैज़ एड्रेस्ड देम बाय द नेम फ्लाइट. तो प्लोटैमी जो इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा है, किताब लिखी है, तो उन्होंने इन्हें फ्लाइट के नाम से एड्रेस किया. अक्रॉस इंडिया देयर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, विच अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द पॉपुलेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस भील आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, भील मध्य प्रदेश के अलावा त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं. दे हैव बीन मेंशन इन द एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण. दे रिसाइड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इंक्लूड्स द एरियाज ऑफ झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा, है ना, बरवानी. दे हैव प्राइमरली फोर सब ब्रांचेस विच इंक्लूड भील, भिलाला, बोला एंड पाटलिया. ये चार उसकी सब ट्राइब होती हैं भील की. भील्स आर कंसिडर्ड एक्सपर्ट मार्क्समैन, दे आर वेरी अडेप्ट इन आर्चरी. तो ये ऐसा बोला जाता है कि अंधेरे में भी सही निशाना लगा सकते हैं. दे आर वेरी गुड एट इट एंड दे डू नॉट मैरी इन द सेम गोत्र. और इनके गोत्र लगभग 122 हैं. दे मेनली कंज्यूम मेज बिकॉज दैट इज ग्रोन द एरियाज इन विच दे रिसाइड. दे हैव लेस इरीगेशन फैसिलिटीज. दे वियर बोल्ड कलर क्लोथ. दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग अ स्टोन और वुड मेड टोम्ब स्टोन फॉर द डेड. भगोरिया उनका फेमस फेस्टिवल है और उसको तोरणमल भी कहा जाता है. ये भी आप एक याद रखिएगा, तोरणमल भगोरिया से रिलेटेड या उसी से क्लोजेस्ट बहुत एक फेस्टिवल है जो भील मनाते हैं. भील में इसको हम कहते हैं भगोरिया में मैरिजेस बाय कैप्चर. आप सामने वाले को कैप्चर करके ले जाते हैं और फिर उससे शादी कर लेते हैं. भगत और गुरु इज परफॉर्म द रिलीजियस राइट ऑफ भील पीपल. द विलेज हेडमैन इज कॉल्ड एज थाडवी. ओके, भीलों का विलेज हेडमैन थाडवी कहलाएगा. दे वर्शिप द टाइगर गॉड कॉल्ड एज वागदेव. द हेडिट्री सॉसर ऑन ऑल ओकेशन आर बदवास. जो हेडिट्री सॉसर है फॉर ऑल ओकेशन, हर ओकेशन के लिए, बदवास और बुधवा, ये शमन भी है. हुरवाकी इज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, मैजिको रिलीजियस फंक्शनरी, वैद्य, हर्बलिस्ट अमंग देम इज कॉल्ड एज बदवा. हद वैदू, तो ये वो पर्सन है जो बोन सेटर है, बोन सेटलर है. अगर हड्डी वड्डी टूट जाती है तो आप हद वैदू के पास जाओगे. सम भील्स इवन फॉलो इस्लाम एंड दे आर कॉल्ड एज ताडवी भील. ये महाराष्ट्र में आपको मिलते हैं, ताडवी भील महाराष्ट्र में. द कॉमन टोटेम अमंग भील इंक्लूड जामुन, आंवला, फिश, हॉर्स, पीकॉक एक्सेट्रा. कॉमन गॉड इंक्लूड महादेव, भैरव, काल, काली, राम, हनुमान. ओके, पुरोहित जो है वो पुजारी होता है. आफ्टर मैरिज द मेल रिसाइड्स इन हिज नियर हिज फादर्स होम एंड दिस इज कॉल्ड एज पैट्रिलोकल सिस्टम. मैरिजेस बाय कैप्चर इज कॉमन. दे जनरली डू नॉट कंज्यूम मिल्क. द फेमस डांस इज घूमर एंड गैर. ग्रुप ऑफ रेसिडेंस इज कॉल्ड फला और फालिया. ग्रुप ऑफ फालिया इज कॉल्ड एज पाल. ठीक है, ग्रुप ऑफ फालिया इज कॉल्ड एज पाल. भील्स कुक एंड ईट देयर फूड इन वेरी मच प्राइवेसी एंड आउटसाइडर स्ट्रेंजर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इन देयर कुकिंग एरिया. इट इज लिंक टू द बिलीव डेट एग्जिस्टेंस ऑफ डकिन. डकिन एक एविल स्पिरिट है विच मे मैनिफेस्ट एंगर थ्रू लॉस ऑफ एपिटाइट, सिकनेस. तो भील जो है वो बहुत ही क्लोजली अपना खाना खाते हैं, बहुत प्राइवेसी में खाना बनाते हैं. आउटसाइडर्स का इंटरफ्रेंस ना के बराबर होता है, वो एंटर नहीं करते उनके एरिया में. और ये उनका एक बहुत अच्छा एक उनका कल्चर कस्टम है. देन कोरकू. कोरकू आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा एंड बुरहानपुर. तो सदर्न साइड में ही आपको मिलेंगे, नॉर्दर्न साइड में कोरकू ज़्यादा नहीं मिलते हैं. दे सब ग्रुप आर डिस्क्राइब्ड एज रूमा, पोट दिया, दुलाप एंड बोविया. ये उसकी सब ट्राइब्स हैं, सब ग्रुप हैं कोरकू की. दे फॉलो हिंदुज़म. दे बिलीव इन सैनिटेशन एंड क्लीननेस. बहुत साफ सफाई रखते हैं. कोरकू हैव टैटू कल्चर एंड दे बिलीव डेट आफ्टर द लाइफ आफ्टर डेथ एवरीथिंग कैन बी रिमूव्ड एक्सेप्ट द टैटू. इसलिए वो टैटू को ज़्यादा मानते हैं. पर इनके टैटू बैगा से ज़्यादा नहीं होंगे. पूरे मध्य प्रदेश में सब सारे टैटू अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो वो बैगा के होंगे. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि पैरों में भी टैटू है, हर जगह पे बॉडी में टैटू है आपके बैगा के. द विलेज हेडमैन ऑफ कोरकू इज कॉल्ड एज पटेल. ऑन द नाइट ऑफ दिवाली दे ड्रॉ पेंटिंग्स विच इज कॉल्ड एज गुदनिया. दूसरों के घरों पे जाके पेंटिंग बनाते हैं अपने ही जो उनका विलेज है. द टोम्ब स्टोन इज कॉल्ड एज मुंडा. द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मुंडा इज कॉल्ड सिडोली, जो 3-4 दिन का एक रिचुअल होता है. वेरियस रिचुअलिस्टिक थिंग्स लाइक मून, सन, हॉर्स राइडर आर कार्व्ड ऑन द मुंडा, जो 2-3 दिन का उनका उनका वो रहेगा, रिचुअल रहेगा. दे सेलिब्रेट, हाँ, दे मोस्ट ऑफ देम फॉलो शिवा एंड पार्वती. दे बिलीव वे आर डिसेंडेंट्स ऑफ रावण एंड दे ऑल्सो सेलिब्रेट शिवा एंड मेघनाथ. दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक गुड़ी पाडवा, अखा तीज, डोडबली. ठीक है, सोमा डोमा आर ट्रेडिशनल गॉड ऑफ विच ट्राइब. द आंसर इज कोरकू. इनका जो डांस है वो झूला है ड्यूरिंग रेनी सीजन, गदाली ड्यूरिंग द ओकेशंस ऑफ मैरिज,
चार्चरी ड्यूरिंग द समर, बोथ मैन एंड वुमेन डांस टूगेदर बाय फेसिंग ईच अदर, मैजिको रिलीजियस फंक्शनरी इनका परिहार के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब कोरकू के डांस बहुत सारे हैं, ये कुछ तीन डांस ही मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट ओकेशन के हिसाब से। फिर इसके बाद जो ट्राइब है उसका नाम है भिम्मा, भिम्मा ट्राइब मंडला और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, नोमैडिक ट्राइब है, गोंडो के साथ रहती है, गिव देम प्लेस ऑफ रेसिडेंस। देन वी हैव परधी ट्राइब फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, सीहोर, दे बिलीव दैट दे आर रिलेटेड टू गोंड, ओके। देन अगरिया, ये ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टर्स हैं, फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, दे आर गुड एट मेकिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड। द अगरिया एक बुक लिखी थी आपकी वेरियर एल्विन ने, वेरियर एल्विन ने एक और बुक लिखी थी बैगास के ऊपर, बैगा का एक बहुत फेमस कस्टम है जिसको हम कहते हैं गोथुल, गोथुल आर बेसिकली यूथ हाउस, ओके। आप गोथुल के बारे में पढ़ सकते हैं क्या यहाँ पे सिखाया जाता है, बहुत ही अच्छा कस्टम है, ट्रेडिशन है कि किस तरह से वो उनके जो लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी वो संभाल के रखे हुए हैं, और प्राइवेसी भी मिल जाती है गोथुल में, ठीक है। तो इतना ही है आपके मध्य प्रदेश की जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सारी। अब अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, और वो लगभग एक ही लेक्चर में वो सफाइस हो जाएगा, लगभग मैं आपको सारी उसमें चीज़ें बता दूंगा। तब तक इसको आप रिवाइज करते चलिए, जो जो मैंने लिखवाया है वो आप लिख सकते हैं, MPPSC मेंस के नोट्स अवेलेबल हैं, आपने जो मुझे बहुत लोगों ने मेल किया है मैंने सबको नोट्स डिस्पैच कर दिए हैं, यहाँ पे आपको नोट्स मिल भी गए होंगे, काफ़ी लोगों के मेरे को रिव्यू भी आ चुके हैं कि नोट्स उनको पसंद आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, वेल डिज़ाइंड है, और हमने सोशियोलॉजी की यूनिट्स के भी काफ़ी नोट्स अब बना लिए हैं, बाय द एंड ऑफ मार्च दे वुड बी हम उसको डिस्पैच करने लगेंगे, रेडी टू डिस्पैच हो जाएंगे वो, और आई थिंक आपका मेंस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लगभग जितने भी नए टॉपिक हैं सबके नोट्स आपको यहाँ पे एकेडमी में मिल जाएंगे, ओके। एंड फॉर देम यू कैन डेफिनेटली मेल अस एट nidhishacademy@gmail.com, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।